मेरा प्यारा बच्चा कैसा है? खैर, अब पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की। चलो पता लगाएं। बहुत तेज था। कितना एक्साइटिंग है, मजा आ गया। रुको, ये एक डॉल है, पिकाचू। मैं बहुत खुश हूँ। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये नहीं हो सकता। हे मॉमी, तो आपके पास खाना है? बहुत दिलचस्प है। हे बार्बी, कैसी हो? मैं तैयारी कर लेती हूँ। नोटबुक चेक। अब मेरी पेंसिल कहाँ है? मेरे पास एक तो थी। अरे हाँ, बार्बी के पास हमेशा एक्स्ट्रा होती है। सोचने दो, रुको, मैं समझ गई। बेस्टी, मुझे एक पेंसिल मिल सकती है? मेरी वाली गुम गई है दोबारा। हाँ बिल्कुल, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास यहाँ एक है, ये लो। शुक्रिया, तो मैं शुरू करती हूँ। मुझे ये वाला आता है। ये ट्रिकी है, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अब आगे क्या है? आहा, हाँ, ये पेंसिल छोटी हो गई या मैं बड़ी हो गई? मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। बार्बी, मुझे एक और पेंसिल चाहिए। ठीक है, ये वाली ले लो। जरा रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मैं कुछ सोच रही हूँ, इससे मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। टेस्टी है। तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, ये मुझे दो। तुम क्या चाहती हो? मेरी पेंसिल्स का क्या हाल हो गया है? मैं तो काम करने वाली थी। अब मुझे गिल्ट मत दो। एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए कस्टम पेंसिल टॉपर बनाती हूँ और मैं ये फोम इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो काम पर लग जाएं। सर्कल बनाने के लिए एंड्स को साथ में जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर कोने पर इस तरह ग्लू लगाएंगे। एक छोटा सा प्लास्टिक सर्कल लेंगे और इसे फोम पर रखेंगे। जब ये सेट हो जाए तो इसे उल्टा कर देंगे। अब हमें येलो ग्लिटर चाहिए, इसे सर्कल के अंदर डालेंगे। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पीस रख देंगे। चलो अब आर्ट बनाया जाए। मैं प्लास्टिक पर एक चेहरा बनाऊंगी। अब अंदर की तरफ एक फोम ट्यूब रख देंगे। यहाँ हम पेंसिल लगाएंगे। इससे मुझे किसी की याद आ रही है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह, मैं बहुत खास महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया, ये खूबसूरत है। मुझे बार्बी के लिए कुछ बनाना चाहिए, पर क्या? मुझे दिल से कुछ प्यारा सा बनाना होगा। आहा, मेरे स्प्रिंकल्स, ये काम आएंगे। कैंडी हो तो सब अच्छा होता है। बस इसे गम के साथ मिक्स कर देंगे। और अब अगला पार्ट क्या है? मुझे एक बबल बनाना है। कितना सुंदर है। ठीक है, जरा रुको, मुझे तुम्हारी पेंसिल चाहिए। बस एक सेकेंड। टडा, तुम्हें कैसा लगा? मैं जानती हूँ ये शानदार है। अब ये ले लो। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आया, कितना प्यारा है। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, अब अपना बोरिंग क्लास वर्क कर लेते हैं। क्या दिन था। हाय बार्बी, तुम विश्वास नहीं करोगी क्या हुआ। वाह, हे ध्यान से। ये क्या है? ये कोई मजाक है? कितना गंदा है। तो मैं अपने लॉकर पर थी और फिर केविन ने, रुको, मुझे छींक आ रही है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई ध्यान नहीं देगा, मैंने इससे भी बुरा किया है। तो मैं उसकी जोक्स पर हंस रही थी और उसे मैं पसंद आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा? ठीक है, ये लो जल्दी करना और तुम्हें कोई देख ना ले। जल्दी करो। चलो भी। क्या, ये क्या बकवास है? तुमने क्या कर दिया? क्या ये चिप्स का चूरा है? ओह माफ करना, ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें भी चाहिए? नहीं तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ। हम दोस्त क्यों हैं? ये चॉकलेट खाकर मैं खुद को तसल्ली दे देती हूँ। ओह, मैंने फिर से सब खराब कर दिया क्या? माफ कर दो। एक सेकेंड, चॉकलेट बार तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इससे मुझे एक आइडिया आया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले मुझे एक ग्लू स्टिक चाहिए, इसे नोटबुक पर लगाएंगे। अब इस पर एक कार्ड लगाएंगे, अच्छे से स्मूथ कर लेंगे ताकि कोई क्रीसेस ना बचे। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी लगाएंगे, इसे अच्छे से चिपका देंगे और कार्ड में से छोटे छोटे स्क्वायर्स काट लेंगे। अब कार्ड पर क्रीसेस बनाएंगे। अब इसे बॉक्स में बदल देंगे, हर साइड पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। अब इसमें एक और कार्ड लगा देंगे, फ्लैप्स को कार्ड में प्रेस कर देंगे, इससे पूरा टिक जाएगा। हमें और भी बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए, पर हम इन्हें बस ऊपर के आधे हिस्से में लगाएंगे और नीचे की तरफ एक ब्लू
कार्ड लगाएंगे और इस पर एक प्यारा सा चेहरा बना देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल की शीट को इस तरह क्रिंकल कर लेंगे। अब इसको एक पतले से रेक्टेंगल की शेप देंगे। अब इस पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। इसे नोटबुक पर चिपका देंगे। लगता है ये तैयार है। ये चॉकलेट के बार जैसा है, देखकर भूख लग गई। हे, जरा ये देखो। नोटबुक के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये मेरे लिए? ये परफेक्ट है। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। मुझे भी बदले में कुछ देना होगा और मैं जानती हूँ क्या करना है। ये येलो फोम लेंगे, एक कार्ड के पीस से दो कान के शेप्स काटेंगे, इन्हें इस तरह ट्रेस कर लेंगे। जब ये हो जाए तो फिर इन्हें काट लेंगे। येलो फेट की एक स्ट्रिप लेंगे और इस पर नोट पैड रखेंगे। कोने पर ग्लू की दो लाइंस बनाएंगे और इसके कान इस पर लगा देंगे। अब नोटबुक को खोलेंगे और अंदर के कवर पर ग्लू लगा देंगे। फेल्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ चिपका देंगे। चीक्स के लिए दो पिंक फेल्ट सर्कल्स काटेंगे और अब बाकी का चेहरा ड्रॉ कर देंगे। इसकी नोज और आईज बनाएंगे और इसकी बड़ी सी स्माइल। देखो मेरे पास क्या है। ये तुम्हारे लिए। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वाओ, कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। बहुत कूल है। मेरी नोटबुक देखकर मुझे भूख लग रही है। ये बिल्कुल खाने लायक लगती है। वाह, ये पेंटिंग बस बनने ही वाली है। बहुत शांति है, मतलब कुछ ज्यादा ही शांति है। तो ये बात है, पिकाचू फिर से छिप रही है। हे, मैं जानती हूँ तुम इसके अंदर हो। चलो बाहर निकलो, हमारे पास बहुत सारा काम है। ये क्या हो रहा है? मैं सोना चाहती हूँ। बार्बी बहुत तंग करती है। मुझे इग्नोर मत करो। तो ऐसी बात है, मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे नींद आ रही है। हे, कैसी हो? ओ, मैं आर्ट क्लास के बारे में तो भूल ही गई। मैं अपना अगला मास्टरपीस बनाऊंगी, पर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही। मुझे वापस सो जाना चाहिए। जरा रुको, मैं समझ गई। बहुत बढ़िया बनेगा। पहले एक पेपर को फोल्ड करेंगे। मैं पोकेबॉल बनाना चाहती हूँ। फोल्ड के आधे हिस्से पर हम सेमी सर्कल बनाएंगे। अब इसके बीच एक छोटा सेमी सर्कल ऐसा ही पेज के नीचे की तरफ भी बनाएंगे। अब पेपर को खोल लेंगे। अब यहाँ से बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। दो बाजुएं और कान बनाएंगे। अब बाकी का चेहरा, अब हम इसे कलर करेंगे। मैं येलो कलर कर रही हूँ। बस लाइंस के बीचों बीच रखना है। चीक्स पर रेड कलर करेंगे और टंग पर पिंक। अब पोकेबॉल को कलर करना होगा। बस ऊपर के आधे हिस्से को करेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन बनाने के लिए छोटा सा ओवल छोड़ देंगे। हाँ, इतना काफी है। अब पेपर को वापस फोल्ड कर देंगे। मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। अब मैं ये बार्बी को दिखाती हूँ। बार्बी, जरा ये देखो। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। मुझे बहुत पसंद आया। जरा रुको, ये क्या है? तुमने वो देखा ना, ऊपर एक पेंसिल मार्क है। क्या? ओ नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? मेरी इतनी सुंदर क्रिएशन, ये खराब हो गई। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं ही ठीक करती हूँ, बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं क्या चुनूं? ये चलेगी। हाँ हाँ, ड्राइंग के ऊपर चलो। ये काम कर रहा है। ये शूज कितने स्टाइलिश है और काम के भी। वाह, ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया। तुमने ये कैसे किया? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। मेरी डॉल के शूज हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलो इन्हें उतार लेते हैं। हमें कुछ चीजें बदलनी है। मेरे पास दो ऐसे पेंसिल इरेजर्स हैं जो शूज की सोल्स की शेप में है। इस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू के सेट होने से पहले ही हम इस पर शूज प्रेस कर देंगे। ये इतना सिंपल है। अब ये मैचिंग पेयर है। चलो ट्राई करो, ये परफेक्ट फिट है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे जलन हो रही है। काश मेरे पास भी ऐसे शूज होते। हमें साथ में शॉपिंग पर जाना चाहिए। अरे हाँ, चलो अब अपना काम करो। अच्छा है ना? वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं तुम्हारे बिना क्या करती। मैं इसे दीवार पर टांग दूंगी। अरे नहीं, मैं लेट हूँ। मैं इतना कैसे सो गई? दोबारा रुको, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेन क्यों है? ओह, तो ये बात है। मैं कल रात आर्टिस्ट बनी हुई थी। यहाँ गंद मचा हुआ है। ओह, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गए? मुझे जाना होगा। पिकाचू हमेशा लेट होती है। मैं आ गई, मैं आ गई। देखो ये कितना कूल है। हे, जरा इसे देखो। मैंने अपनी पेंसिल्स पर यूनिकॉर्न बनाया। मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। वाओ, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। तुम कितनी क्रिएटिव हो। जरा ये गड़बड़ देखो। काश मैं भी तुम्हारी तरह ऑर्गेनाइज्ड होती, पर मैं ऐसी ही हूँ। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, ट्राई कर देखते हैं।
पहले मुझे अपने फोल्डर में से एक सेक्शन काटना होगा। मैंने गाइडलाइंस बना ली है। अब इसे मोड़ कर फोल्ड करने के लिए हम रूलर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम सीधे सीधे कोने बना पाएंगे। बस लाइंस को फॉलो करना है। आसान होता जा रहा है। बस ये आखिरी फोल्ड है। अब इसे असेंबल करना शुरू कर सकते हैं। सारे पीसेस को साथ में जोड़ देंगे और फ्लैप से टिके रहेंगे। ये अभी थोड़ा बोरिंग है तो मैं इसे पर्सनलाइज कर देती हूँ। पहले आंखें बनाएंगे, अब चीक्स के लिए सर्कल बना देते हैं। बस होने ही वाला है। वाह, जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। कभी कभी मैं खुद को हैरान कर देती हूँ। ये है एक बढ़िया पेंसिल केस। ये तुमने बनाया? अब पेंस इधर उधर फैलेंगे नहीं। मुझे जो चाहिए सब इसमें है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे एक और पेन चाहिए। शुक्र है मैं जानती हूँ ये सब कहाँ है। मुझे यही वाटर बॉटल चाहिए। मैं इसके साथ कुछ खास करने वाली हूँ, पर पहले मुझे मेरा 3D पेन चाहिए। पहले बॉटल के नेक पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह एक लाइन बनाएंगे। जब ये जुड़ जाए तो अब नीचे की तरफ आएंगे। ऐसे ही और बनाते जाएंगे और इसमें बराबर की जगह छोड़नी है, बिल्कुल इस तरह। बस प्लास्टिक खत्म ना हो जाए। जब ये हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। इन्हें वर्टिकल लाइंस के साथ जॉइन करेंगे। तुम्हें तुम्हारा नया घर पसंद आया? लगता तो है। हाय वेंडी। माफ करना, हाय। ये क्या है? ये मेरे नए एयरपॉड्स है, मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करती। मैं देख सकती हूँ? खैर ठीक है, पर ध्यान से। मुझे बहुत पसंद आए, मुझे भी लेने चाहिए। जी ना, नहीं। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। मैं जानती थी यही होगा। तड़ा, क्या हुआ? क्या ये पहले से टूटा हुआ था? मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? रो मत प्लीज। रुको, मैं जानती हूँ ये कैसे ठीक होगा। बहुत जल्द ये केस ठीक दिखेगा। सबसे पहले मुझे प्लास्टिक ग्लू चाहिए। केस के ऊपर पतली सी लाइन बनाएंगे, इतना काफी है। अब हमें ट्वीजर्स चाहिए। इनसे हम ये जेमस्टोन्स केस पर लगा देंगे। हाथ स्टिकी नहीं होने चाहिए। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे और आगे पीछे कर लगाएंगे। एकदम आराम से, ये परफेक्ट होना चाहिए। बस वेंडी गुस्सा ना हो जाए। कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। जब ये हो जाए तो एक और रो बनाएंगे। इन्हें एकदम साफ सुथरा लगाएंगे। बहुत कलरफुल होने वाला है। अब केस के आखिर तक पहुंच जाएंगे और अब साइड्स पर लगाएंगे। ये पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। बस आखिरी स्टोन बचा है। अरे वाह, मैं इसे वेंडी को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। देखो मेरे पास क्या है। ये तुम्हारा नया एयरपोर्ट केस है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। अरे वाह, तुमने ये मेरे लिए किया। थैंक्स जीना। हमें थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहिए। ये लो, हम क्या सुनने वाले हैं? मुझे गाना बहुत पसंद है। तैयार हो? लड़ो। ये लो लूजर। बहुत अच्छी बनी। क्या तुम्हारी लात? ये तो निकल आई। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं। मैं कौन सा चुनूं? ये बढ़िया है। इसके अंदर क्या होगा? वाओ, इतनी सारी स्टफ है, जैसे कोई फ्लफी क्लाउड हो। जीना, मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। जीना, ये तुमने क्या किया? बेचारा डायनासोर। नहीं, मैं बहुत मजा कर रही हूँ। ओह हे माँ, क्या करना चाहती हो? तुमने अपने सारे खिलौने खराब कर दिए। ये मैंने क्या किया? मैं एक मॉन्स्टर हूँ। रोना बंद करो, उदास मत हो। ये लो, मैं अभी आती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस कैरेक्टर के पेपर पर अलग अलग वर्जन बना लेंगे। अब 3D पेन से इसे फिल करेंगे आउटलाइन को फॉलो करते हुए। ये बहुत आसान हो जाता है और ड्रॉ करने का मजेदार तरीका है। हाँ, पहला हो गया। अब साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर से आउटलाइन के साथ साथ ही करेंगे। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, इसे जोड़ना होगा। फ्रेम बनाने के लिए हमने दो पीसेस को साथ में जोड़ दिया है। अब इसे फिल करने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करेंगे। पूरे फ्रेम पर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनाते जाएंगे, जैसे हम ड्राइंग में कलर करते हैं। लाइंस को साथ साथ ही रखेंगे और पूरा करते जाएंगे। मजा आ रहा है, निटिंग करने से भी ज्यादा मजेदार है। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर जितना कवर हो सके उतना करते जाएंगे। इसी के साथ बाद में काम करना आसान होगा। बस पूरा होने ही वाला है, थोड़ा ही बाकी है। पहली साइड पूरी हुई, अब दूसरी साइड पर काम करेंगे। इस साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। हम बस बड़ी बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाएंगे। अब जल्दी करते हैं, मैंने रफ्तार बढ़ा दी है।
एक और पार्ट पूरा हुआ। अब जॉइंट्स पर करेंगे, लेयर्स बनाते जाएंगे। इस बार हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, इससे जितने भी गैप्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अब इसके कानों की बारी, ये बेहतर है। अब ये शेप में आने लगा है। अब मुझे सैंड पेपर चाहिए, इसे प्लास्टिक के ऊपर अप करेंगे। वाह, जरा इसे देखो, जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। अब डिटेल्स बनाते हैं। आईज को ब्लैक कलर देंगे, एकदम बारीकी से काम करेंगे। अब दूसरी आंख के बारे, चलो कलर बदल दें, क्योंकि अब हम चीक्स बनाएंगे। काश मैं अपना मेकअप भी ऐसे कर पाती। रूज का ये वाला शेड मुझ पर सूट करेगा। अब एक ब्लैक पेन लेंगे और इसके ईयर्स के टिप्स को इससे कलर करेंगे। बस इसके बीच के पार्ट को कलर करना है। एक चीज मिसिंग है, इसकी पूंछ। इसे पीछे की तरफ लगा देंगे और ये हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। जीना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सच में? हाँ, ये लो। वाओ, कमाल है मॉम, मुझे ये पसंद आया। देखो, इसे खींचने पर भी जुड़ा रहता है। मैं इसे बाइक भी कर सकती हूँ। मजे करो हनी, चलो तुम दोनों खेल लो, मैं टीवी देखूंगी। गुड नाइट जीना। हाँ, ये आवाज कैसी है? क्या वहाँ कोई है? शायद मैं फालतू का सोच रही हूँ, दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? अच्छा नहीं लग रहा। जाओ, निकलो यहाँ से। मॉम! क्या हुआ स्वीति? मेरे रूम में एक मॉन्स्टर है। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। हे, मैंने सुना है, बहुत डरावना था। तुम बिल्कुल सेफ हो। ओह, मैं समझ गई, लाइट्स ऑन कर देती हूँ। थैंक्स मॉम। मेरी आँखें, मैं सो नहीं पा रही। मत जाओ मॉम। क्या हुआ? बहुत तेज है। माफ करना स्वीटी। रुको, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हमें एक ग्लू स्टिक चाहिए, हमेशा काम आती है। बस एक मिनट दो, ये प्यारा सा हार्ट मोल्ड इस्तेमाल करेंगे और हार्ट में ग्लू डालेंगे। इन्हें बिल्कुल ऊपर तक भरते जाएंगे, पूरे मोल्ड को भर देंगे। अब ग्लू को सेट होने देंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। सिलिकॉन मोल्ड की वजह से ये आसान हो जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है और मजा आ रहा है। अब मोल्ड की और जरूरत नहीं है। ग्लूगन को गर्म कर लेंगे। अब नोजल को हार्ट के अंदर डालेंगे, इससे एक होल बन जाएगा। सारे हार्ट्स के साथ ऐसा ही करेंगे। होल्स एक ही साइज के होने चाहिए। सब में हो गया। अब हार्ट्स में हम फेरी लाइट्स डालेंगे। क्या फिट आया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत बढ़िया दिखेगा। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? जीना को ये बहुत पसंद आएगा, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, हो गया, अब लाइट्स ऑन करेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया, ये सबसे अच्छी नाइट लाइट है। थैंक्स मॉम, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगी। ये बेहतर है, ये परफेक्ट है। मैं पार्टी का इंतजार नहीं कर सकती, लगता है सब तैयार है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स मॉम। ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। हे भगवान, इतना बड़ा सर, मुझे यही तो चाहिए था। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? मजाक कर रही हूँ, तुम्हारा गिफ्ट ये है। हे, मुझे चिंता हो गई थी। वाह, थैंक्स मॉम, मुझे पसंद आया। थैंक यू। पर ख्याल रखना, मुझ पर भरोसा रखो। चलो अब स्कूल जाओ। ओह, तुम पर कुछ लग गया है, मैं ये रखूंगी। वाह, मॉम ने मुझे फोन दिलाया, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। मैं कब से नया फोन चाहती थी। ओह, मैं स्कूल पहुंच भी गई। हाय मैथ्यू, देखो मेरे पास क्या है। ओह, ये ठीक नहीं हुआ। जरा देखो, मॉम अब बहुत गुस्सा होगी। अब मैं क्या करूं? बहुत बुरा हुआ, मैं ये नहीं होने दे सकती। जीना, तुम ठीक तो हो? मैं नहीं चाहती मेरा फोन गिरे, ये टूट जाएगा। कोई बात नहीं, ये लो फोन केस। ये मेरे स्टाइल का नहीं है। रुको, एक आइडिया है, मुझे ये चाहिए होगा। क्या कर रही हो? मैं केस का मेकओवर करूंगी। एक कप में सीलेंट डालेंगे, इतना काफी है। अब हमें एक्रेलिक पेंट चाहिए।
बस कुछ ड्रॉप्स कप में डालेंगे, अब इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितना बढ़िया कलर है, अच्छा लग रहा है। अब अगले पार्ट की बारी। ये रहा एक पाइपिंग बैग, इसमें हम ये सिलेंट मिक्सचर डाल देंगे। ऐसा लग रहा है मैं केक को सजाने वाली हूँ, पर मैं ये खाना नहीं चाहती। अब कप की जरूरत नहीं है, अब पॉप्सिकल स्टिक की मदद से इस मिक्सचर को आगे की तरफ पुश करेंगे और ये तैयार है। अब बस इस पर नॉट बांधेंगे, ये सिक्योर होना चाहिए, बस गन ना मचे। एंड से इस तरह खींच लेंगे, ज्यादा भी ना निकले, इतना काफी है। और अब हम पाइपिंग करेंगे। ये रहा केस, बैक पर बस थोड़ा सा प्रेशर लगाते जाएंगे, ऐसा स्वॉल पैटर्न बनना चाहिए। इसे पूरे केस पर करेंगे, स्वॉल्स को एक दूसरे के पास पास रखेंगे। अगर इसे इस तरह फ्लेक करेंगे तो ये नकीले बनेंगे, जो और अच्छे दिख रहे हैं, मुझे पसंद आए। लगता है मुझे बेकिंग करनी चाहिए। आप अलग अलग कलर के सिलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे लैवेंडर कलर पसंद है। इसे करने में बहुत मजा आ रहा है। बस ये आखिरी रो है, इस पर प्यारा सा कोआला लगा देंगे और प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। इस टेडी बेयर को कॉर्नर पर लगाएंगे, इसे ट्वीजर्स की मदद से करेंगे, बस ये गंदा ना हो जाए। बस कुछ और कैरेक्टर्स, कितने प्यारे हैं। ये गैप्स में स्टार्स लगाते जाएंगे। लगता है ये पूरा हो गया, अब सिलेंट के सूखने का इंतजार करेंगे। कैसा लगा मॉम, अच्छा है ना? वाह, तुम तो सच में एक आर्टिस्ट हो, इसमें तुम मुझ पर ही गई हो। थैंक्स। तो हम केक कब खाने वाले हैं? तैयार हो? रुको, मैं इसे प्रेस करूं? प्लीज प्लीज प्लीज, चलो भी। हाँ ठीक है, कर लो। तो चलो, क्या कुछ होगा भी? हाँ, अजीब बात है, दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। चलो भी, शायद भी खराब है। तो अब हम घर चले। ओह, हेडफोन्स, शुक्रिया। मुझे गाना बहुत पसंद है। चल भी जाओ बकवास बटन, ये किसी काम का नहीं है। रुको, तुम्हें ये कहाँ से मिले? हे जैस्मिन, यहू। बहुत रूड है, शायद ये काम करे। जैस्मिन, ला 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 ला। सच में? मैं जानती हूँ, ये जरूर काम करेगा, पर थोड़ा लाउड होगा। हाँ, अजीब है, इसे क्या हो गया है? ला 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 ला। क्या, ये क्या हो गया है? अब मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है, मैं उधार ले रही हूँ पक्का। हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, छोड़ो इसे। तो मजाक ही था, यहाँ दो सारे के सारे, बुरा मत मानना। और हाँ, जैस्मिन, अब मैं क्या करूँ? समझ गई, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर एक की होल की शेप रहेगी, अब इसे फिल करेंगे, बस ये लाइंस में रहे, बस हो ही गया। हाँ, इतना काफी है। अब कुछ वर्टिकल लाइंस बनानी होगी, इसमें जगह नहीं छोड़नी। पता है, ये बहुत रिलैक्सिंग है, मेरी स्ट्रेस कम होती जा रही है। हाँ, अब आगे हम इस तरह लाइंस बनाएंगे, इससे एक फ्रेम बनेगा। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे और फिल कर देंगे। अब इसे साइड पर रख देंगे और दूसरा हिस्सा, साथ साथ बहुत सारी लाइंस बनाएंगे, प्लास्टिक की एक लंबी स्ट्रिप बनाएंगे, बस थोड़ा सा और, ये परफेक्ट है। इसे मोड़ेंगे और सर्कल्स अटैच कर देंगे, मेरे ईयरफोन्स इसके बीच में लग सकते हैं। अब मेरे पास खुद के हेडफोन्स है। ओह, कितना बढ़िया गाना है। जैस्मिन, देखो। हाँ, वाह, ये तो बहुत कूल है मैंडी, मैं जानती हूँ, है भी तो अनोखे। चलो डांस करें। मैं काम कर रही हूँ, तुम बिल्कुल पड़ाकू हो।
अगर ध्यान दे देती तो टेस्ट पे पास हो जाती। कैंडी खाना ज्यादा मजेदार है। हाँ, ये क्या हो रहा है? कैंडी, मेरी क्लास में ये क्या है? एक वॉर्म। अब क्या करें? मिल गए। ओ, चलो भी। चलो काम शुरू करें। क्या, ये तो कमाल है। उसके पास यूनिकॉर्न केस है। खैर, देखते हैं किसका बेहतर है। जी हाँ, मेरे पास पूरी कलर पैलेट है। अब तो वो जल रही होगी। मेरे कलर ज्यादा अच्छे हैं। मैं जब भी चाहूँ तब आइस पर टचअप कर सकती हूँ। और मेरे पास वुल्वरीन फ्लॉक क्रेयॉन्स भी है। तुम्हें वो अच्छे लग रहे हैं? मेरी नई लिपस्टिक देखो। तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है? मेरे पास पेंट ट्यूब्स है। नहीं, नहीं देख सकती। और बिल्कुल मेरे ब्रशेस इतने कूल नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। जी हाँ, इतने सारे मेकअप ब्रशेस का रोल। ठीक है, उसके ब्रशेस के साथ वो जीत गए। एक सेकंड रुको, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। पहले मैं एक फेक की शीट लूंगा और रूलर और एक चौक, एक एक इंच छोड़कर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। लो, और ऐसी ही एक और मैंने एक ऐसी ही एक और भी बनाई और इसमें से ही मैंने कट्स बना लिए। अब मेरे पेंसिल्स और ब्रशेस उसमें जाने के लिए तैयार हैं। ये सीधा कट्स में जाएंगे। अब हम इन्हें रोल करेंगे। जी हाँ, जब ये पूरे रोल हो गए तो यहाँ पर हॉट ग्लू लगाएंगे। अब हमें एक छोटी सी बो चाहिए एक इलास्टिक लूप के साथ। और हो गया, ये परफेक्ट है। तुम्हें ये देखना चाहिए। ये क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ क्या चल रहा है? ओह, एक कॉन्टेस्ट। विजेता घोषित करते हैं। हे वाला, हे भगवान। हाँ, मैं हमेशा से यही चाहता था। ये कैसे हो सकता है? आ जाओ। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? प्लीज आइए बैठिए। एक परेशानी है। सोफिया का क्लास वर्क देखिए, ये डिस्ग्रेस है। हे भगवान। हे, मैं बोर हो जाती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। रुको, कॉल आ रही है। हेलो सोफिया, बहुत गलत बात है। मैं अभी आता हूँ। आखिरकार हो गया। खेलना चाहोगी क्या? पेंसिल लेकर आओ, खेलते हैं। सच में? ये रही। ये काम नहीं आएगी। मुझे सोचने दो, हम यहाँ कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इस टेप को नोटबुक पर लगाऊंगी, इसके साथ एक और स्ट्रिप और दो स्ट्रिप्स इस तरह। अब हमें पेपर क्लिप्स चाहिए और ये बाइंडर क्लिप्स। हाँ, शुरू करते हैं। चलो, तुम्हारी बारी है। ओह, ये तो मजेदार है। मैं अपना क्लिप यहाँ लगाऊंगी। अच्छी कोशिश थी। अच्छा किया। मुश्किल होता जा रहा है। इस बार नहीं। लो। हाँ, मैं जीत गई। शांत रहो, कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ क्या हो रहा है? इसने किया। मुझे वेकेशन चाहिए। क्या, मैं घर पर भूल गई? हाँ, ये तो 5 साल पुराने हैं। पर ये बेहतर है और बेहतर है। वो क्या, तुमने कोई म्यूजियम लूटा है? और यही रखना होगा मेरा स्पेशल पेन। बस थोड़ा डालना है और मेरे पास पॉट का नया पेयर होगा। देखा, ये बढ़िया है और आवाज भी अच्छी है। बस एक और पेन है। नेल्स बाफ कर लिए। रेड बढ़िया लगेगा। सैलून की किसे जरूरत? हो, मुझे चाहिए। ये क्या हो गया? हो यार, पॉलिश हट ही नहीं रही। हट जाओ।
अभी भी यही है? कुछ बड़ा करना होगा। ये हुई ना बात। वो ये बहुत बुरा है और ये साफ भी नहीं हो रहा। मुझे थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। चलो शुरू करें। मैं अपना खुद का केस बनाऊंगी इस हैंडी ग्लू पेन से। अब ये केस लग भी रहा है। साइज मत भूलना। आप जो चाहे वो रंग चुन सकते हैं। ओह, ये मेरी आउटफिट से मैच करता है। कैसे हो दोस्त? ये छोटी छोटी परेशानियाँ बहुत तंग कर देती हैं। इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे क्राफ्ट्स हैं जिससे ये चीजें आसान हो जाएं। आपका फेवरेट कौन सा था हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।